नमस्कार, मेरा नाम हिलो सरकार है। आज हम स्लीपिंग मोटर का पार्ट टू लेके आया, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है LRS। तो आज हम बताएगा LRS का कनेक्शन कैसे होता है स्लीपिंग के साथ, और LRS क्यों यूज होता है मोटर का साथ, स्लीपिंग मोटर के साथ LRS क्यों यूज होता है वो आज हम दिखाने वाला है। तो एक एक करके देखिएगा, हम पूरा समझाएगा, एक एक करके देखिएगा, वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मान के चलिए 800 एचपी का मोटर है, और आपको एसीबी है। एसीबी का आउटपुट से हमारा ये डेल्टा कनेक्शन है, मोटर का। एसीबी का आउटपुट से थ्री फेज सप्लाई आया, आएगा ये मोटर में, 800 एचपी का मोटर में। और ये हो गया आपको स्लिप रिंग है, ये मान के चलिए स्लिप रिंग है, और स्लिप रिंग का कार्बन है, कार्बन लगा रहता है, इसे ये कार्बन होके ये सप्लाई आपको जाएगा MNX50 LNT कॉन्टेक्टर, में जाएगा। और कॉन्टेक्टर का आउटपुट कहा जाएगा, इसमें जाएगा, इसको बोलता है LRS, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस। ये क्यों लगाता है स्लिपिंग मोटर में, ये इसीलिए लगाता है जो मोटर का स्पीड जो होता है वो धीरे धीरे, आस्ते आस्ते बढ़ेगा, इसीलिए ये लिक्विड रेजिस्टेंस लगाता है मोटर में। जब हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए, हमारा LRS यूज होता है। तो मोटर का स्पीड मतलब लो से आज धीरे धीरे हाई होगा, उसी के लिए हम लोग ये रेजिस्टेंस बनाता हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बनाते, इसको नाम है LRS, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस। उसके बाद लो एम्पियर, जब हमारे रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारा स्लिपिंग मोटर में एम्पियर लो होगा, हाई एम्पेयर हो जाएगा तो हमारा मोटर ट्रिप हो जाएगा, एसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो LRS लगाइएगा, तो LRS के सप्लाई से जो रेजिस्टेंस आपको दीजिएगा तो आपको एम्पेयर कम लेगा, मोटर आपको स्मूथली चलेगा, तो एम्पेयर भी कम लेगा। हाई स्टार्टिंग टॉर्क LRS उसी के लिए दिया जाता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बढ़ेगा तो आपको हेवी लोड में स्लिपिंग मोटर यूज होता है, तो हेवी लोड में यूज होने के लिए आपको स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए आपको LRS यूज होता है। तो ये स्लिपिंग मोटर आपको क्रेन, कोई मिल, बड़ा बड़ा मिल, सीमेंट मिल, इसमें यूज होता है स्लिपिंग मोटर। तो इसको हो गया, इसमें स्लिपिंग रहता है, तीन तो स्लिपिंग रहता है। और इसके ऊपर कार्बन रहता है, एक कार्बन थ्रो से ये सप्लाई जाएगा कॉन्टेक्टर में। और ये हमेशा स्टार कनेक्शन होता है, जब मोटर आपको स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सप्लाई इसमें आएगा, इसमें आने के बाद मोटर में सप्लाई आएगा, वाइंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसमें रोटर जो होता है, रोटर में भी वाइंडिंग रहता है, रोटर में भी करंट इंड्यूस होगा, EMF होगा। तो वो करंट कहा जाएगा, ये होके आपको स्लिपिंग होके, कार्बन होके ये जाके कॉन्डक्टर में जाएगा। और ये जो पाती लगा रहता है डस्ट, धीरे धीरे जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये धीरे धीरे जाएगा। और उसके बाद ये लिमिट स्विच लगा रहता है, और लिमिट स्विच में जाके ये टास होगा, टास होने के बाद ये कॉन्डक्टर होल्ड होगा, तो इसके साथ इसको इंटरलॉक है, ये टास होने के बाद ये कॉन्डक्टर होल्ड होगा, और ये कॉन्डक्टर होल्ड होगा तो सप्लाई आपको ये पाती इसमें जाएगा, धीरे इसमें नहीं छटेगा, धीरे धीरे इसमें जाएगा। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है सोडा, ठीक है, सोडियम NaCO3 और प्लस H2O, इसमें H2O दीजिएगा। इसके नमक कभी भी मत दीजिएगा, नमक दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बनाता है, मगर ये जो पाती है, ये जो आपको प्लेट है, ये खा जाएगा, इसीलिए इसमें नमक मत दीजिएगा, इसमें सोडा दीजिएगा, सोडा और H2 रहता है, उसमें वाटर रहता है, ठीक है। 300 लीटर वाटर में आपको 1 kg सोडा डाल दीजिएगा, 300 लीटर वाटर में 1 kg सोडा डाल दीजिएगा। तो ये जब पाती धीरे धीरे इसमें आएगा, लिमिट से टास होगा, और ये जब शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने के बाद सप्लाई इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद मोटर हमारा हाई स्पीड ले लेगा, जब मेरा एम्पियर भी ठीक ठाक आ जाएगा, मतलब मेरा रनिंग एम्पियर जो है वो इसमें आएगा। जब स्लिपिंग मोटर जब शुरू में स्टार्ट करिएगा तो उसमें 2 गुना से 3 गुना ज्यादा एम्पियर लेता है। तो आज हम क्या सीखा,
मोटर का स्पीड लो है, मतलब धीरे 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 स्लिपिंग मोटर का स्पीड बढ़ता है, उसके बाद लो एम्पियर है, एम्पियर भी ठीक रहता है इसी के लिए। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए ये हमारा एलआरएस यूज होता है, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आज हम इतना दिखाएगा, अभी इधर दिखा रहा हूँ, इधर देखिए ये 300 एम्पियर मीटर है। वन टू थ्री, एक नंबर एम्पियर मीटर, दो नंबर एम्पियर मीटर, तीन नंबर एम्पियर मीटर, ये हमेशा एनालॉग एम्पियर मीटर होगा, डिजिटल एम्पियर मीटर नहीं होगा। इसके ये हम किसके लिए लगाएगा, अरे कि तीन तो इंडिकेटर लगाएगा, इंडिकेटर हमारा आउटपुट में सप्लाई आया कि नहीं वो चेक हो जाएगा इसमें। और हमारा ये मोटर जो ये मोटर में उल्टा मतलब कोई एम्पियर सही नहीं लेगा, कोई कार्बन में हमारा प्रॉब्लम होगा, कोई दूसरा कार्बन प्रॉब्लम होगा, तो हमारा एम्पियर भी वाइब्रेशन होगा, एम्पियर भी वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये हमारा एम्पियर मीटर जो है, ये तीनों जो एम्पियर मीटर लगा है इसमें इसमें ऐसे काटा हिलेगा, काटा हिलने के बाद आपको पता चलेगा जो हमारा स्लिपरिंग मोटर में, ये स्लिपरिंग हमारा साइड में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हंटिंग के लिए, ये जो हंटिंग होगा इसमें पता चल जाएगा जो हमारा स्लिपरिंग का जो कार्बन है उसमें प्रॉब्लम है ना स्लिपरिंग का प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, स्लिपरिंग में बहुत दिन चलने के बाद स्लिपरिंग खा जाता है, ऊपर से स्लिपरिंग एक तो खा जाता है, तो लेज में जाके उसको पॉलिश कराना पड़ता है। स्लिपरिंग पॉलिश करने के बाद उसमें फिर आप सेट कर दीजिएगा तो स्लिपरिंग चालू हो जाएगा। स्लिपरिंग निकालने के लिए बहुत आसान तरीके, एक एक उसमें घाट घाट रहता है वो निकाल दीजिएगा तो स्लिपरिंग तुरंत निकल जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा स्लिपरिंग इसमें हमेशा इस तरह कनेक्शन होता है। और इसका जो कंट्रोल वायरिंग है, इसका जो कंट्रोल वायरिंग है उसको हम बात स्टेप थ्री में दिखाएगा। इसमें कंट्रोल वायरिंग क्या होता है थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसका जो एसीबी है, जब हम एसीबी जब होल होगा तब एक सप्लाई जाएगा इसमें एलआरएस में, एलआरएस में जाने के बाद वो कॉन्ट्रेक्टर को होल कराएगा, और वही कॉन्ट्रेक्टर एक मोटर लगा रहता है वो इसको पत्ती को धीरे धीरे इधर लेके जाएगा। और जब इसमें टास्ट होगा तो ये आपको कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा, कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होने के बाद ये सप्लाई जाके आपको एलआरएस में चल जाएगा। इतना ही है, तो आज हम क्या सीखा है, आज हम इतना ही सीखा है स्लिपरिंग मोटर में एलआरएस की यूज होता है। एलआरएस इसीलिए यूज होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा मिल है, बड़ा बड़ा क्रेन है, उसी जगह स्लिपरिंग मोटर यूज करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग एलआरएस यूज करता हूँ। थैंक यू।